दशहरा पूजा के मौके पर गड़बड़ी करने वाले लोगों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज कराकर उन पर कार्रवाई करने का डीजीपी ने आदेश दिया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शुक्रवार को गया पहुंचे। गया जिला परिषद के सभागार में उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर दशहरा पूजा में शांति बनाए रखने का उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया। इसमें जिनकी भी संलिप्तता पाई जाए उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ दशहरा पूजा के दौरान गड़बड़ी करने वाले लोगों का नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज किया जाए। गया पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड सुजीत कुमार उर्फ त्रैल यादव को उसके तीन साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1,30,000 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। उपरोक्त जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर दी। मृतकों के परिवार वालों के बयान के आधार पर जो है नामजद FIR अंकित किया गया था तंकुपा थाना खंड संख्या 87/2019। उस कांड में जो मुख्य अभियुक्त था त्रैल यादव, उसको और उसके तीन अन्य साथियों को जो घटना में, घटना के पहले और घटना के बाद उसको बचाने में, उसको हार्बर करने में जिनकी भूमिका सामने आई है, उनमें से चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें त्रैल जो है वो मुख्य था, साजिश करता भी और घटना में हत्या में भी शामिल था। सारी अपराध की योजना उसके साथ ही, उसके द्वारा ही बनाई गई थी। और उसके साथ साथ जो है तीन अन्य व्यक्तियों को, एक रवि राज है जो उदा बिगहा चंदौती थाना के रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ जो है रिंकू कुमार उर्फ रविंदर कुमार पिता देवेंद्र प्रसाद को, और निकेत राज पिता नवल किशोर को। भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य समीर उर्फ शशि रंजन ने गया वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा के सक्षम कार्यालय में आत्मसमर्पण कर लिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को वरीय पुलिस अधीक्षक ने पुष्प देकर स्वागत किया और उनके परिजन को पुरस्कार भी दिया। इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की नीति के तहत मिलने वाले सभी लाभ शीघ्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरेंडर रिहैबिलिटेशन योजना के तहत उनके खाते में प्रति माह 4,000 रुपए के दर से 3 साल तक कुल 1,44,000 रुपया उनके खाते में जमा किया जाएगा। एक सक्रिय नक्सली थे जो वर्तमान में चकरबंदा का जो नक्सल एरिया है वहाँ पर पूरी जो नक्सल की कंपनी है उसके साथ ये रह रहे थे, समीर शशि रंजन। इन्होंने जो है गया पुलिस के समक्ष, ये तो घर से भागा था 2017 में, हमको जानकारी नहीं था कि ये नक्सल संगठन में गया है, मगर सर गए थे उत्तर बाद, बोले कि आपका बेटा नक्सली चला मैं हो गया, तो कब टेंशन बना रहता था कि क्या अथी होगा, तो आप एक भगवान के नाम लेते रहते थे या भगवान। इसी दरमियान में मेरा बेटा गया तो पहुँच गया, हम तो सोचे थे कहीं काम कर गया। गया के कोतवाली थाना अंतर्गत बैरागी मोहल्ला निवासी छोटू कुमार ने घर के नीचे से मोटरसाइकिल चोरी होने संबंधित कोतवाली थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता छोटू कुमार ने बताया कि रात्रि लगभग 2 बजे घर के नीचे लगी जिक्सर मोटरसाइकिल BR02AI7089 की चोरी हो गई। हालांकि चोरी की सारी वारदात CCTV में कैद हो गई है। मुंह पर कपड़ा बांधकर बाइक ले जाते चोर को देखा जा सकता है। गया जिले के 155 वर्ष पूरे होने पर जिला प्रशासन की तरफ से स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी शुरुआत सुबह गया टावर चौक से गया संग्रहालय तक रन फॉर गया के आयोजन से शुरू की गई। रन फॉर गया की शुरुआत टावर चौक के पास कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर गया टीम को रवाना किया। इस मौके पर कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के अलावा SSP राजीव कुमार मिश्रा सहित जिले के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं भी रन फॉर गया में शामिल हुए। गया के 155 वर्ष पूरे होने पर गया जिला समाहरणालय प्रांगण में स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने उपस्थित लोगों के बीच केक काटा एवं उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाकर जिला स्थापना दिवस की बधाई भी दी। इस मौके पर जिला पदाधिकारी के द्वारा 155 कैंडल भी जलाया गया। मौके पर कई अधिकारी एवं कर्मचारियों के अलावा राजनीतिक दल से जुड़े लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गया जिला को स्थापित हुए आज 155
55 साल हो रहे हैं और जिसके उपलक्ष्य में आज ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और ये हम सभी के गर्व की बात है कि हम सब कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक पौराणिक जिले से जुड़े हुए हैं। और आज के दिन जो विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी जैसे केक कटिंग कार्यक्रम हुआ है, जिस तरह से एक किसी भी व्यक्ति का हम लोग प्रत्येक वर्ष जन्मदिन मनाते हैं, उसे गया जिला का हम लोग 155वां जन्मदिन मनाए हैं, उसी के साथ हम यह भी संकल्प ले रहे हैं कि हम सब अपने स्तर पर किस तरह से इस जिले को और आगे ले जाने के लिए और पूरे देश में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए योगदान कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष पिछले कई वर्षों से गया जिला स्थापना दिवस मनाई जाती है। आज 3 अक्टूबर को 155 दिवस गया का जिला बने हुए हो गया। तो इस दिन याद करके जैसे बच्चों को आज के परिवेश में शादी होने के बाद 25 साल 50 साल ऐसे करके सालगिरह जन्म मुबारक करके एक हौसला अफजाई का होता है उसको। गया जिले के स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन के द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में जिला प्रशासन के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के माध्यम से उपस्थित लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही साथ मौके पर जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी गया जिला स्थापना दिवस मना रहा है एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने सभी लोगों से मिलजुल कर आपस में प्रेम भाव से रहने का संदेश भी दिया। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और यह ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से प्रयास रहता है उन लोगों तक पहुंचने का जिनको खून की आवश्यकता है। और स्थापना दिवस में इससे बेहतर सौगात लोगों को नहीं दिया जा सकता। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा संख्या में इसमें भाग लें। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा गया के 155वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्र एवं राज्य सरकार से गया के चौमुखी विकास की मांग की गई। मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गया शहर स्मार्ट सिटी की सभी अहर्ताओं को पूरा करता है, इसके बावजूद गया को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल नहीं करना चिंता का विषय है। शहीद भगत सिंह ब्रिगेड समाज सुधार समिति के द्वारा बिहार में आए बाढ़ से ग्रसित जिलों के लिए गया से खाद्य सामग्री भेजी गई, जिसमें शुक्रवार को बाढ़ से ग्रसित जिलों के लिए 4500 पैकेट राहत सामग्री समिति के सदस्य लेकर रवाना हुए, जिसमें खाने पीने के साथ साथ दवा एवं अन्य सामग्री भी शामिल है। साथियों, आज शहीद भगत सिंह ब्रिगेड बिहार की टीम ने जो बिहार में जो बाढ़ ग्रसित जो जिले हैं उनके लिए खाद्य सामग्री लेकर अपने शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के साथियों ने आज 4500 खाद्य सामग्री का पैकेट तैयार किया है। वंदे मातरम। सभी बिहार की टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं जो इंसानियत के लिए आगे आई है। और सभी से यही अपील है कि हम जात पात धर्म को छोड़ के पहले इंसानियत के लिए लड़ें। आदर्श लीला कमेटी आजाद पार्क वर्षगांठ स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। कमेटी के महासचिव श्री कुमार गौरव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कलाकारों में अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि बुधवार को मुकुट पूजा से इस समारोह का उद्घाटन हुआ, जबकि 10 अक्टूबर तक यह समारोह चलेगा, जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर समिति के सदस्य अध्यक्ष विजय कुमार प्रसाद, महासचिव कुमार गौरव, कोषाध्यक्ष प्रहलाद कुमार गुप्ता, सहयोगी वीरेंद्र राय, सुनील कुमार मोहित, अंकित कुमार लोहानी, सौरभ कुमार और अन्य लोग शामिल हुए। देश कैसा सुमन ऐसा है भाई कि आप गुरु को यहाँ ना लाकर हम दोनों शीघ्र ही उनके कुटिया में चलते हैं। जैसी आती महाराज। नवरात्र पर्व के मौके पर गया के पीर मंसूर स्थित धर्मसभा भवन में डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। डांडिया उत्सव का उद्घाटन ज्ञान भारती आवासीय विद्यालय के निदेशक सह हम पार्टी नेता रोमित कुमार एवं ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल के निदेशिका मधु प्रिया ने संयुक्त रूप से फीता काट कर दिया। इस उत्सव में भारी संख्या में महिलाएं शामिल होकर भक्ति गीतों पर डांडिया का आनंद लिया एवं नवरात्र पर्व की एक दूसरे को बधाई भी दी।
मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित निदेशक रोहित कुमार एवं निदेशिका मधुप्रिया ने आयोजनकर्ता के कार्यों को सराहा और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से महिलाओं के बीच एक अलग उत्साह मिलता है। यहाँ के नवरात्र में आके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश के कारण लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन फिर से ये लोग अरेंजमेंट करके बहुत अच्छा कर दिए हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे आए हुए हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। नए नए सब ड्रेस पहने हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। हम सबका शुभकामना करना चाहते हैं कि आप लोग सब यहाँ पे आए, सबको मज़ा आया, सब खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। और साहिल सर की तरफ से, रोहित सर की तरफ से हम लोग सब बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डांडिया करवाया। आई थिंक ये बहुत अच्छा ही डांडिया है गया शहर में और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वी आर वेरी इंजॉय अलॉट। यहाँ के लोगों के उत्साह को देख के मुझे काफ़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। गया जैसे शहर में भी इतनी रात 9 बजे रात में इतनी महिलाएं बाहर आई हैं और सब कोई डांडिया के उत्सव का आनंद ले रहा है। ये पर्व ही है हर लोग के उत्साह का, हर लोग के पार्टिसिपेशन का। इस उत्सव में हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। काफ़ी दिनों से ऑर्गेनाइजर्स साहिल, रवि और ये लोग लगे हुए थे। काफ़ी जगह वर्कशॉप चल रहा था, ज्ञान भारती वर्ल्ड स्कूल और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्कूल में जहाँ की वर्कशॉप चल रहा था, आज उसका समापन है। और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं साहिल, रवि और रोहित ने जो ये डांडिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें काफ़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और सभी महिलाओं ने भारतीय परिधानों में रंगारंग डांडिया का प्रोग्राम में भाग लिया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमें अपनी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जितने ज़्यादा लोग इन प्रोग्राम्स में सम्मिलित होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। और इन त्योहारों को हमें एक अपने दिल से जीना चाहिए। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किस्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामीटोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 06312221190।